नमस्कार दोस्तों, ए मिस्ट्री एंड स्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हर रोज दुनिया भर से कुछ ना कुछ अजीब गरीब और रहस्य एवं रोचक भरी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम फिर से आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम आपको सुपात्रा सुसुफेन उर्फ नेटी के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। नेटी दुनिया की सबसे ज्यादा बाल वाली लड़की है। बता दें दोस्तों कि नेटी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रहती है। नेटी ने अपना नाम गिनीज बुक में सबसे ज्यादा बाल होने के लिए नाम दर्ज करवा रखा है। लेकिन हम आपको बता दें कि नेटी अब अपने बालों को हटवा रही है। नेटी इसलिए अपने बाल हटवा रही है क्योंकि उसे हो गया है प्यार। दोस्तों, नेटी को जेनेटिक अवस्था की परेशानी है। दोस्तों, नेटी का इस जेनेटिक अवस्था के साथ ही जन्म हुआ था। इस बीमारी को एम्ब्रोस सिंड्रोम भी कहते हैं। दोस्तों, इस सिंड्रोम को वेयरवुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। वेयरवुल्फ का मतलब होता है कि जब आप भेड़िए जैसे दिखने लगते हैं। इस सिंड्रोम के चलते इंसान के पूरे शरीर में हद से ज्यादा बाल निकलना शुरू हो जाते हैं एवं चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। नेटी को साल 2010 में दुनिया की सबसे ज्यादा बाल वाली लड़की घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, जब नेटी का जन्म हुआ था उस दिन से ही नेटी के माँ बाप को इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी बेटी का आने वाला जीवन बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। वैसे दोस्तों, नेटी का पैदा होने के बाद भी इलाज चलता रहा। नाक के छेद छोटे होने की वजह से नेटी को सांस लेने में परेशानी होती थी। दोस्तों, हम नेटी की तस्वीरों को देखकर ही शॉक हो गए हैं। तो फिर सोचिए कि उस बच्ची का क्या, जिसके मैरिज होने भर से ही आसपास के लोग ऐसे हो जाते थे। दोस्तों, सुपात्रा के पिता से सब ये पूछते थे कि उन्होंने ऐसा क्या पाप कर लिया है कि उनके घर में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ है। तो दोस्तों, यह सुनकर आप समझ सकते हैं कि उस बाप पर क्या बीतती होगी। नेटी के दांत भी धीरे धीरे आ रहे थे और उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। नेटी के घर वालों ने लेजर ट्रीटमेंट से उसके बालों की ग्रोथ रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाल हर हाल में बढ़ते गए। मगर दुनिया का मजाक उनका असहज होना, बुरी बातें कहना, सुपात्रा ने हर चीज सहते हुए भी अपनी अवस्था को अपनाया। दोस्तों, नेटी ने स्कूल में सब कुछ एक नॉर्मल बच्ची की तरह किया, क्योंकि नॉर्मल तो वो थी ही। और कुछ ही सालों में नेटी ने दिखा भी दिया कि वो किसी भी बच्चे से पीछे नहीं है, जिस वजह से स्कूल के बच्चों ने उसे बंदर जैसे नामों से बुलाना बंद कर दिया था। नेटी अब 17 साल की हो गई है और दोस्तों, उसे अपना प्यार भी मिल गया और वह अब अपने बालों को सेव करती है। दोस्तों, यदि वह सेव भी न करती तो उतनी ही खूबसूरत लगती जितनी आज सेव करके है। दोस्तों, यदि आप चाहते हो आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना है, इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।